MR पटेल फैमिली की जानिब से जिले गुलबर्गा कमलापुर तालुके के गांव होलीकोंडा में फ्री हेल्थ कैंप और ब्लड डोनेट कैंप मुनक्कद किया गया। इस कैंप में यूथ ब्लड डोनर क्लब, यूनिटी फॉर ह्यूमैनिटी गुलबर्गा और सुरक्षा ब्लड सेंटर ने अपनी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा हेल्थ चेकअप के लिए यूनाइटेड अस्पताल गुलबर्गा के डॉक्टरों और नर्सों ने भी अपनी खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर होलीकोंडा और उसके अतराफ की कई गरीब आवाम ने अपना हेल्थ चेकअप करवाया। इसके अलावा इस कैंप में मुफ्त मेडिसिन भी तकसीम की गई। इसी तरह कई नौजवानों ने अपना ब्लड भी डोनेट किया। इस कैंप में डॉक्टरों, नर्सों के अलावा होलीकोंडा गांव के समाजी, मिली सियासी लीडरों ने और MR फैमिली के अफराद ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने हमारे हुलकुंदे में पंचायत में जो हमने स्टार्ट किया था कैंप के लोगों को तरीके से एक हेल्थ का जो कैंप चालू किया था, पहली बार हमारे गांव में ये चीज़ हुई, सो है इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के लोग और तीन चार जो हमारे जो गांव पंचायत के दायरे में आते हैं वहाँ के लोग आके यहाँ पे अच्छी तरह से अपनी सुविधा लेके गए, अच्छे खासे अपना जो है ना जो भी अपना हेल्थ चेकअप था, इशू था जैसा कि ब्लड प्रेशर, हाई शुगर का, हार्ट का, जो भी हमारे जो सीरियस प्रॉब्लम्स है, ऑप्टिकल का, हर चीज़ देखे गए। और यहाँ पे ब्लड कैंप भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहा है। ये पहली बार है हमारे गांव में जिस तरीके से जो कैंप लगाए हैं, और इंशाल्लाह हमारे को जो इस तरीके से हमारे को जो एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है यहाँ से, बहुत अच्छी तरीके से मिला है। और हमारे छोटे भाई साहब मोहम्मद मजहरुद्दीन MR पटेल जिस तरीके से यहाँ पे एक नया चीज़ लेके आए हुए हैं कि हेल्थ के बारे में, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस रहा है। और इंशाल्लाह इसको हम आगे तरीके से और अच्छी तरीके से देखेंगे और अच्छी तरीके से डेवलप करने की कोशिश करेंगे और अच्छी तरीके से बड़े पैमाने पर भी करने की कोशिश करेंगे। हॉस्पिटल का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे यूसुफ साहब जो ब्लड डोनर का, जो हमारे यूसुफ पटेल जो है हमारे जिस तरीके से ब्लड का उनका जो प्लान है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी आवाम से हुलकुंदे की, नावदगी की, कठेली की, दस्तापुर की आवाम से उनके लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು MR ಪಟೇಲ್ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಆಗಿ ಮುಗಿದಿನ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಮಜರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯನಾದ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ನಮ್ಮ ಒಳಕುಂದಿ ಗುಡ್ಡ ಅವರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಏನು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಕ್ತ ಡೊನೇಟನ್ನು ಇಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳಕುಂದಿ, ಕಠೇಳಿ, ದಸ್ತಾಪುರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಬಂದಿಸಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಉಚಿತವಾಗಿ. ಮೆಡಿಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತಪಾಸಣೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಕ್ಕಿದ್ವಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಏಟೇ ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಾವು ತಪಾಸಣೆ ಇಕ್ಕಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ವರ್ಷಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಇಕ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಟಿಡ್ಕಿಸ್ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हुलकुंडा में जो महागाँव से आगे हुलकुंडा गांव है वहां पे हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था। हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप रखा गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सक्सेसफुल कैंप हुआ है। कई सारे पेशेंट्स आकर अपनी हेल्थ को चेकअप किए हैं, आई का चेकअप किए हैं और तकरीबन नौजवान बढ़ चढ़ कर जो है ना रक्तदान किए हैं, ब्लड डोनेशन दिए हैं। मैं समझता हूँ ऐसे गांव में, ऐसे विलेजेस में अक्सर कैंप होना चाहिए। गांव में अवेयरनेस नहीं होता है हेल्थ चेकअप का। हम इस तरीके से अगर साल में एक दो टाइम अगर हेल्थ चेकअप कैंप रखेंगे तो उससे लोगों को बेनिफिट होगा। तो हमेशा से यूथ ब्लड डोनर्स क्लब की एक सोच है, एक हमारी कोशिश है लोगों तक हम कैसा अवेयरनेस पहुंचाएं। मैं सभी हमारे आजू बाजू के तालुकों से और गांव से मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी आपके गांव में एक अवेयरनेस लाइए, लोगों तक उनके दुख दर्द को बांटने में हिस्सा लीजिए। जब हम इनका टेस्ट करेंगे, जब उनके मतलब एक जायज़ा लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको एक इसके तक पहुंचा सकते हैं कि हमें कुछ बीमारी हुई है तो हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। अगर कोई ब्लड देना चाहते हैं तो उसके बारे में हम डिटेल उनको समझा सकते हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल आज कैंप हुआ है। मैं हमारे मजहर पटेल साहब जो हुलकुंदा के जो एक TP मेंबर हैं और हमारे अजहर पटेल साहब जो GDS के वार्ड नंबर 14 के जो डिप्यूटेड कॉरपोरेटर हैं,
मैं उनकी पूरी फैमिली को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनके पूरे खानदान कबीले को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह सुबहानु ताला जो इन्होंने आज ये स्टेप लिए हैं उसके तुफेल में अल्लाह सुबहानु ताला उनके वालिद मरहूमिन, उनके दादा मरहूमिन को जन्नत में आला से आला मुकाम दे। जितने भी लोग ब्लड डोनेट किए हैं, जितने भी लोग बताए हैं, जिसकी जिसकी भी बीमारी डिटेक्ट हुई है, मैं अल्लाह सुबहानु ताला से दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द वो शफाई कामिला आता हो। और जितने भी लोग ब्लड दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको जितने भी जायज़ तमन्ना है अल्लाह गैब से उन्हें पूरा करे और आगे भी और कई ज़िंदगी बचाने वाला बनाए। मैं गुलबर्गा यूथ ब्लड डोनर्स क्लब की टीम के तरफ से तमाम यमार पटेल ग्रुप को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और गांव वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। मैं अटेली शाही सब डॉक्टर चक्कर को देखे हमारा ध्यान दा बाटला हल्दी पटेल साहब को शुक्रिया अदा करती हूँ। ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡತ್ತರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಖುಷಿ ಆಗೈತ್ರಿ ಜನ ಎಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಾರಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನೋಡತ್ತರಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೋಲಿ ದವಾ ಪಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಕುಳ್ಳ ಫ್ರೀ ಕುಳ್ಳತ್ತರಿ ಎಲ್ಲ. ಎಮ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಸ್ಯಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಂತಜಾಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ಯಾರಿ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ ರೀ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು ಕಣ್ಣಿಂದು ಕಣ್ಣೇನು ದೃಷ್ಟಿ ಕಾಣಲಾಗಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಸಲಹೆ ಕೊಡೋರು ಬಂದಿದ್ದಾರು ಎಲ್ಲ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂದು ಎಲ್ಲರು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲು ನೋಯ್ತಾವ್ರಿ, ಮೊಳಕನ್ ನೋಯ್ತಾವ್ರಿ, ಟಂಕನ್ ನೋಯ್ತದ್ರಿ, ನಡಿಲಕ್ಕಾಗದ್ರಿ, ತಾಕತ್ತೀರ, ಒಂದು ಕಣ್ಣೇ ಕಾಣದ್ರಿ, ಅಡಗಣ್ಣ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಬಾ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಒಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದವಾಖಾನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕರ್ಸ್ಯಾರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಕಲ್ಲಿಂದು ದವಾ ತೋಲತ್ತಿದೇವ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ತೋಂದು ಮಾಡಕ್ ಆರಾಮ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಅಲ್ಲತ್ತಾರ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಳಕುಂದ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣು ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಎಮ್ ಡಿ ಯೂಸುಫ್ ಪಟೇಲ್ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತ ಶಿಬಿರದಾನ ಭೀ ನಡೆದಿದೆ ಒಳಕೊಂದದಲ್ಲಿ. ಎಮ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿವಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಳಕುಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಕುಂದ, ನವದಿಗಿ, ದಸ್ತಾಪುರ್, ನವದಿಗಿ, ಕಟ್ಟೋಳಿ ಎಲ್ಲ ಊರದ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ